सोमवार को चंबा की जांगी पंचायत के तहत आने वाले कलसुई गांव के ऊपर से जा रही बिजली की तार टूटने से नीचे पड़ने वाली गुआड तूड़ी के स्टोर में आग लगने से लगभग 50,000 की संपत्ति का नुकसान हुआ है। मामला सुबह के लगभग 8:30 बजे का है, जब लोग अभी घरों में ही थे, नहीं तो बिजली की इस तार के टूटने से जान माल का काफी नुकसान हो सकता था। घटना की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा अग्निशमन विभाग को दी गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही जिला परिषद उटी वार्ड राकेश ठाकुर मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया गया। राकेश ठाकुर ने मांग की है कि प्रशासन द्वारा घटना स्थल का जायजा लिया जाए और प्रभावित परिवार को मुआवजा दिया जाए। एक गाँव कलसुई जो है ना, यहाँ पे एक ऊपर के एनएचपीसी की तार टूटी है, जिसमें कि यहाँ एक स्थानीय लोगों का बहुत नुकसान होने से बच गया है, जान माल का नुकसान हुआ, बाल बाल बचे हैं। ये जो इनके जो बता रहे हैं कि इनके जो नीचे ग्वाड़ थी उनके ऊपर तार गिरी है, और अगर ये सुबह हुआ, अगर रात को होता तो जान माल का नुकसान होता, और दिन को काम करते करते अगर ये टूटती तो नीचे लोग काम करते हैं इसमें। मैं चाहता हूं कि एनएचपीसी वालों को यहां आए, मौके पर इसका मौका करें। चंबा हलचल के आज के इस अंक में इतना ही। चंबा जिला की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।